हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आ चुके हैं एक और न्यू एक्टिविटी के साथ, जो कि मैंने पहले भी अपडेट आपको बताया था, जो कि हमारा बाराबंकी टू कानपुर का रूट होने वाला है। विथ एक्टिविटी भी है इसके अंदर, फुल हैवी ट्रैफिक, ठीक है ना। तो इसका जो डाउनलोड लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और उसमें चार लिंक दिए, ठीक है ना, चारों लिंक आपको डाउनलोड करना है। और जिन्होंने पहले से मेरे ऑब्जेक्ट और लोको एंड कोच का जो फाइल डाउनलोड कर रखा है ना, वो ना करें, ठीक है, वो ना करें। और जो मैंने एक्स्ट्रा दे रखे, एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट दे रखा है उसमें कुछ अपडेट करा है, तो उस ऑब्जेक्ट को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और जो नए यूज़र हैं उन्हें चार फाइल डाउनलोड करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आप नहीं करोगे तो प्रॉपर तरीके से आपका जो रूट वर्क नहीं होगा, ठीक है ना। और गाइस, जो मैंने रूट इतना डिले कराया ना, उसके लिए भाई दिल से सॉरी। क्या करूँ यार, थोड़ा काम पड़ रहा था ना, इस वजह से मैंने और जो रूट जो है रूट को डिले कर दिया था, ठीक है। क्योंकि भाई मैं जॉब करता हूँ, जॉब पे से आके ही रूट बनाता हूँ, और शाम को सुबह जब भी टाइम मिलता है तभी रूट बनाना मेरे को पड़ जाता है, ठीक है। गाइस, कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई अनाउंसमेंट ऐड क्यों नहीं करते, तो भाई ये सब चीज़ें यार कॉपीराइटेड हैं, ठीक है ना। इसमें इन पर कॉपीराइट आया, बिना परमिशन के मैं कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। मैं अगर ऐड करना चाहूँगा तो परमिशन लेके ही ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो कुछ भी एक्स्ट्रा आप जो मतलब कुछ भी ऐड करवाना चाहते हो, अनाउंसमेंट वगैरह वो कुछ भी, तो भाई उसके लिए मेरे को पहले परमिशन लेने पड़ती है उनके ओनर से, ठीक है ना। उसके बाद ही मैं अपलोड कर सकता हूँ, नहीं तो यार कॉपीराइट आने का डर है, ठीक है। इसलिए मैं अनाउंसमेंट वगैरह ऐड नहीं करता यार, क्योंकि ये सब कॉपीराइटेड है, ठीक है। और आगे देखता हूँ किसी से मैं परमिशन लेके नेक्स्ट रूट में हो सकता है अनाउंसमेंट भी ऐड कर दूँगा। यार मेरे को बनाना नहीं आता, नहीं तो मैं बना देता, बनाना आता हो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी यार मेरे को, है ना। तो ये थोड़ा गेम प्ले भी देख लेना, और आगे भी मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। और पासवर्ड मैं वीडियो के अंदर ही बताऊँगा, ठीक है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड में बीच में मैं आपको पासवर्ड कहीं भी बता सकता हूँ। और गाइस, जो एंड की वीडियो है ना, वो आपको एंड की वीडियो 100% देखनी है यार। आपसे रिक्वेस्ट है भाई, उस पार्ट को बिल्कुल भी मत छोड़ना, ठीक है। 100% आपको लास्ट की वीडियो देखनी ही देखनी है, ठीक है। और जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, फुल तरीके से कैसे आपको इंस्टॉल करना है। और जो नए यूज़र हैं वो भी देखें वीडियो को, और जो पुराने यूजर्स हैं, ठीक है ना, वो भी देखें। ये जो गाइस बैकग्राउंड साउंड आ रहा है ना भाई, उसे थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास एयरफोन नहीं है, इस वजह से फ़ोन में ही वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ। तो जो भी बैकग्राउंड है उसके लिए भाई, उसके लिए दिल से सॉरी, ठीक है ना। तो इसे आप थोड़ा मैनेज कर लेना, और आगे जो प्रोसेस मैं और बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के अंदर ही आपको पासवर्ड मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप मत करना, ना ही फास्ट फॉरवर्ड करना, ठीक है ना। फास्ट फॉरवर्ड करोगे या फिर स्किप करोगे तो आपको यार कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। तो गाइस, जो मैंने पहले जो वीडियो अपलोड करी थी ना, उस पर मैंने बोला था कि आपको 40 लाइक कंप्लीट कराने हैं, ठीक है ना। तो आपने 40 की बजाय 60 लाइक कंप्लीट करा दिए थे, बल्कि वो गेम प्ले था, ठीक है। तो अब इसमें मैंने आपको एक्टिविटी प्रोवाइड की है, तो इस वीडियो पर आपको 80 लाइक कंप्लीट कराने हैं, ठीक है। अगर आप 80 लाइक नहीं कंप्लीट कराते तो मैं जो नेक्स्ट रूट आने वाला है वो आपको पेड़ दूंगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। इसलिए आप 80 लाइक इस वीडियो पर करा देना, ताकि आपको जो नेक्स्ट रूट आने वाला है वो आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है ना। तो फ्री में लेने के लिए आपको 80 लाइक कंप्लीट कराने हैं। ऐसे बेहतरीन रूट और भी लाता रहूँगा, बस आप यार दिल से सपोर्ट करो, एंड लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और भी आपको नेक्स्ट रूट में भाई और भी तगड़ा अपडेट मिलने वाला है। और नेक्स्ट रूट कौन सा बनाना है वो मेरे को पहले से ही पता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट मत करना कि भाई ये रूट बना दो, वो रूट बना दो। तो अभी मैं सोच लिया है, एक जो रूट बनाना है वो मैं आगे आपको अपडेट कर दूंगा। पासवर्ड आपको इस वीडियो के अंदर ही मिलेगा, आपको वीडियो को पूरा देखना ध्यान से, ठीक है ना। फिर आप मेरे को कमेंट करके मत बोलना कि भाई पासवर्ड नहीं मिला, बता दो। मैंने एक एक करके वन बाई वन करके पासवर्ड नहीं बताया, एक साथ आपको पासवर्ड बताया। तो वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है ना। आप स्किप करोगे तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, रहने दो, आप वीडियो छोड़ के चले जाओ। क्योंकि फिर आपको पासवर्ड नहीं मिलेगा तो आप बोलोगे भाई पासवर्ड नहीं दिया, पागल बना रहे हो, ठीक है ना। तो ऐसे कमेंट मेरे को बहुत आते हैं जो बंदे बोलते हैं, तो भाई मैं आपको क्लियर ही बता दूँ, आपको पासवर्ड वीडियो के अंदर ही मिलेगा, एंड तक देखोगे तो बिना फास्ट फॉरवर्ड के एंड स्किप के, तो आपको 100% आपको पासवर्ड मिलेगा।
तो गाइस अब चलते हैं अपना जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है चारों फाइल की, तो आप डाउनलोड कर लेना। ये ओल्ड लोकोमोटिव एंड कोच की फाइल जो दिख रही है आपको व्यू पे क्लिक करना है, एंड ये जो भी आपको फाइल दिख रही है हैश करके इन सबको सिलेक्ट कर लेना, ऑल सिलेक्ट करना, ठीक है ना। सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद एंड्रॉइड में जाना है, डाटा में N3V गेम्स फाइल्स यूजर डाटा ओरिजिनल, आपको ओरिजिनल में जाके पेश कर देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये एक्सट्रैक्ट हो चुका है, अब आती है हमारे ऑब्जेक्ट फाइल की बारी, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट फाइल, एंड इसे आपको क्या करना है, व्यू पे क्लिक करना, ऑब्जेक्ट फाइल जितने भी फाइल दिख रही है आपको सबको सिलेक्ट, इनको भी कर लेना है, ठीक है। करने के बाद कॉपी कट कुछ भी कर लेना, कॉपी आएगा ज़्यादातर एंड्रॉइड डाटा N3V गेम्स फाइल्स यूजर डाटा और ओरिजिनल, इसे भी जाके आपको ओरिजिनल में जाके पेस्ट कर देना, ठीक है ना। आपको ओरिजिनल में पेस्ट कर देना, और आपके पास ऑलरेडी पहले से भी जो फाइल है उन्हें आपको रीनेम कर लेना है, रीनेम कर लो या फिर कट करके या दूसरी फाइल में भी डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा मत करना कि आप जो मान लो हैश करके 22 नंबर की फाइल है, तो मेरे पास भी 22 है, आपके पास भी 22 है, तो आप उसी के ऊपर पेस्ट कर दोगे ना, तो आपको गेम के अंदर क्रैश प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। तो हैश के ऊपर ही हैश पेस्ट मत करना, ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरे नेक्स्ट आते हैं हमारे हैश 7 की, ठीक है। हैश 7 जो है इसे आपको व्यू पे क्लिक करना है, ये हैश करके कॉपी जो 00 लिखा हुआ है इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करके इसे भी एंड्रॉइड डाटा N3V गेम्स फाइल्स यूजर डाटा ओरिजिनल, इसे भी आपको ओरिजिनल जाके पेस्ट कर देना है। और गाइस इस फाइल को ना आपको रीनेम करना है, रीनेम कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। रीनेम इसमें जो लास्ट हमारा है हैश 41, तो इसे 42 करेंगे, हैश 42, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसे 42 कर देता हूँ, 42 करके ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। और आप अपना जो रूट है उसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के लिए आपको व्यू पे जाना है, S00 करके ये फाइल होगी, इसे आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपको एंड्रॉइड में जाना है, N3V गेम्स फाइल्स यूजर डाटा और लोकल, इसे आपको लोकल में पेस्ट कर देना है। लोकल में पेस्ट करने के बाद आप बैक आओगे, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे एक TDX करके फाइल दिखेगी, उसे आपको डिलीट कर देना है, ठीक है ना। TDX फाइल जो है आपको डिलीट करना ही करना है, एक इस फाइल में भी आपको देखने को मिल सकती है, तो उसे भी आपको डिलीट कर देना है।
गाइस इस गेम के अंदर आपको एक स्टेशन पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस स्टेशन पे आप जैसे ही पहुँचोगे आपको ये शो रहा होगा, आप देखो डिस्प्ले में देखो 10 की स्पीड आ रही है, यानी 10 की स्पीड आ रही है, ठीक है ना। तो आपको आपको 10 की स्पीड से ही चलना है, एक भी स्पीड आपको ऊपर नहीं करना है, 10 से नीचे रख सकते हो, ठीक है ना, 10 से नीचे रख सकते हो। इससे आपको एक नंबर भी आपको ऊपर नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अगर आप बाई चांस आपके ज़्यादा स्पीड होती है तो आपको क्या करना है, आगे जाके आपको ग्रीन सिग्नल मिलेंगे, आपको ग्रीन सिग्नल मतलब पार नहीं करना है, ठीक है। इसी स्टेशन पे आपको लगभग मतलब 5 मिनट रुकना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन आ रहा है, पता नहीं क्यों यार, मैंने सब कुछ फिक्स कर दिया था फिर भी यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखाता है। अब यहाँ पे इस बगल वाली ट्रेन चल रही है हमारी, ठीक है ना, आगे बढ़ रही है, इस वजह से रेड सिग्नल हो गया है। तो ये वाली ट्रेन जैसे क्रॉस हो जाएगी ना तो आपको ग्रीन सिग्नल मिलेंगे, तो आपको आगे नहीं जाना है। ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आपको आगे नहीं जाना है, पीछे से आपको एक तेजस एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी, ठीक है ना, ओवरटेक कर देगी वो, उसके बाद ही आपको आगे जो है जर्नी स्टार्ट करनी है। जब तक आपको तेजस एक्सप्रेस इस स्टेशन पे ओवरटेक नहीं कर देती तब तक आपको इस स्टेशन से आगे नहीं जाना है, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है 100%, ठीक है। और ये वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, मतलब दिखा दूँगा कि तेजस एक्सप्रेस कैसे आपको ओवरटेक करेगी। गाइस इस रूट का पासवर्ड है 22119।